एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप जरूर बताना, और गर्मी कैसी पड़ रही है वो भी आप लोग जरूर बताना। आजकल मेरी तबीयत ऐसी ही चल रही है, अभी तो ठीक हूँ, मतलब अभी थोड़ी सी कमजोरी वगैरह आ जाती है। कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो मुझे, आप मुझे समझते हो, मैं आपको समझती हूँ, तब भी कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। किसी को मैं नेगेटिव और वैसे नहीं बोल रही हूँ, बस एक चीज़ बोल रही हूँ। इतने सारे लोग हैं, देखिए हर कोई पसंद करे, इतने तो हम हुनरवाद और सर्वगुण संपन्न नहीं हैं, तो बस यही चीज़ें हैं। पर जो भी आप लोग हो बहुत अच्छे हो, और भोले बाबा आप सभी पे आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और आप लोग मुझ पे बनाए रखें। तो मैंने खाना बनाया था पर सब्ज़ी बुस गई थी, तो मैं फ़ीस जमा करने स्कूल गई थी, तो उधर से छोले और कुलचे 50 रुपए के लिए आए थे और नमक के पराठे सेक लिए थे। फिर आके गर्मी बहुत लग रही थी, 12-1 बजे गई, फिर मैंने आके पानी डाला, मोटर चला के उसका ठंडा पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। आके फिर मैंने बोला सब्ज़ी ख़राब ही हो गई है तो कढ़ी बना लेती हूँ। कढ़ी थोड़ा सा ही बेसन था, तो मैंने ना बूंदी वाली कढ़ी बना ली है, छाछ लेके आई हूँ, थोड़ा सा दही डाला है, तो बूंदी वाली कढ़ी बना ली है, बेसन डाल दिया है। कहते नहीं, अभी इस हफ्ते ना सब्ज़ी का कुछ ज़्यादा ही वैसा हो गया है, क्योंकि सब्ज़ी लेने जा नहीं पाए हैं, गली में कोई बेचने नहीं आ रहा है, और जो आते हैं उनका खाने का मन नहीं होता है, और गरम आलू वगैरह मुझे खाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने बोला चलो कढ़ी बना लेते, कढ़ी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर पकौड़ी वकौड़ी वाली मैंने बोला अब ऐसे ही खा लेना। पता है आलू भी डाल सकते हैं कढ़ी में, गाजर भी डाल सकते हैं, हमारे तरफ बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, आस पड़ोस के लोग भी बना के देते हैं ना, अच्छा लगता है। दूसरे के हाथ की कढ़ी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने फटाफट से कढ़ी छौंकी, थोड़े से सोचे थे चावल बना लें, फिर मैंने बोला चावल बनाओ फिर रोटी बनाओ, इतनी गर्मी में क्या बनाओ, मैंने बोला छोड़ो। तो मैंने फटाफट से कढ़ी को तड़का दे दिया, और कढ़ी बनने में आप लोगों को पता ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये खोलती रहेगी, तब तक मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था। और दही तो मैं आधा 1 किलो रोज़ ही जमा देती हूँ, ये खा लेते हैं तो सही रहता है। चलिए इसको मैं हिलाती रह रही हूँ, कढ़ी बन जाए बाद में हरी वाली मेथी से करके कढ़ी को कंप्लीट कर दे। बाद में कढ़ी पत्ते से मैंने कढ़ी को एक बार और तड़का दे दिया। ये ग्लूकोन डी है, अभी तो ग्लूकोन डी मेरी जान बचाए हुए है, क्योंकि सुबह सुबह उठती हूँ मुझे ग्लूकोन डी पी लूँ ना तो सही रहता, नहीं अभी तक तो मुझ पर बोतलें चढ़ गई होती। यहाँ पर कढ़ी खदक गई है, इसमें कढ़ी पत्ते और हींग का तड़का दे देंगे, वैसे पहले ही तड़का दे दिया था। ये देखिए कड़ी ऑलमोस्ट हो गई तैयार, इसमें डालेंगे बूंदी। बूंदी का पैकेट 10 रुपए वाला मैंने ले लिया था, पहले सोचा मैं घर में बना लूं, फिर मैंने सोचा रहने दो क्या बनाएंगे। और पता है फ्रीज में ना पिछली बार हमने गैस भराई थी, उस बार लग रहा है हमें उन्होंने ना फ्रीजर में फ्रीज वो गैस होती ना वो कम भरी है, चीज़ें ठंडी नहीं हो रही हैं। बूंदी डाल दी, बूंदी के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया ना, तो दूध बहुत ख़राब हो रहा है, तो दूध जो बचा था उसका मैंने पनीर बना लिया था, क्योंकि कहाँ वेस्ट करते हैं। हम इसे लोबान कप कहते हैं, खोल के ऐसे हम जल्दी से। ये तो कौन आंटी ने भी लिया? यस लोबान, लोबान कप। अरे यार बैठे की यार, ये तो कौन आंटी ने भी लिया? हाँ ये तो ले लो, ये कितने कितने के? 7 का एक। वंशु कह रही थी पूजा के इससे बढ़िया थी ये, ये इसमें गोल गोल आते हैं ऐसे बने हुए, ये अच्छा रहता है ये वाला। हाँ जवाब यार के लिए सही रहता है। हाँ दिला देंगे ना, टेंशन मत लो। शनिवार मंगलवार को जलाया जाता है, इसे रोज रोज के लिए नहीं होता है। पूजा के लिए घी तो मैं अपने घर पे ही बना लेती हूँ, आप लोगों ने देखा था, और यहाँ पे ये गंदा हो गया था, इसको हल्के से बंद है साफ़ कर दिया, क्योंकि गंदा फिर अच्छा नहीं लगता। इन गैस चूल्हे के लिए और इसके लिए थोड़ा बड़ा रसोई हो ना तो सब सही रहता है, छोटी सी रसोई है उसमें ये दोनों चीज़ें मैनेज करना थोड़ा हो नहीं पाता है, पर ठीक है चल जाता है काम, पूरे दिन बस हाथ चलते रहते, कुछ भी फैला साफ़ करो, कुछ भी ये हुआ तो साफ़ करो, गीले कपड़े से पहुँच के फिर इसे साफ़ कर दिया, देखिए चमक गया हर चीज़ ना वो होती, पर अभी तो आलका साए जा रहा है मुझे। यहाँ पे कपड़े 4-5 कपड़े थे, वो तुरंत के तुरंत धो के डाल दिए, बच्चों ने नहाया धोया था, अभी तो 2-3 बार बच्चे नहा ही लेते। और आपको वीडियो अच्छी लगा कर प्लीज़ ढेर सारा प्यार दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। 4-5 ही छत धोने की सोच रही हूँ, छत धो दूँ। पास वाली आंटी अपने ब्लाउज वगैरह पर तुरपाई कर रही थी, तो मैंने बोली चलो बातें करते रहते हैं, और मैंने बहुत सारे आपकी चीज़ों के सवाल के जवाब दिए हैं। अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी कोई टाइम टेबल नहीं है, रोज़ मैं यही बताती हूँ,
अच्छा मम्मी और नानी आने की आजकल की रोज बोल देती है पर आ नहीं पाती है। और शादी के शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाना के साथ, आप लोग पसंद नहीं करते हो, लाइक ही नहीं करते हो, फिर मन नहीं करता करने का, आप लोग बोलते कुछ नया करो, सब कुछ करती हूँ पर आप लोग पता नहीं क्या है क्या नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं है, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कपड़े सुखा दी, ज़्यादा नहीं, वॉशिंग मशीन मैं बिल्कुल नहीं चला रही हूँ, हाथ से ही काम कर ले रही हूँ। और आजकल मैं डाइटिंग पे आ गई हूँ, मैं डाइटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया है क्योंकि ना आप लोग बोलते बहुत मोटी हो गई तो इस वजह से। पर पता नहीं क्यों चेहरे वगैरह पे मेरे सूजन सी, देखो अभी ये कैसा चेहरा लग रहा है। यहाँ पे मेरी इसमें धनिया वगैरह ख़राब हो गया है, तो मैंने ये सब्जी का डोंगा इसको साफ़ करके रख दूँगी। इसमें हरी मिर्ची, वो सूखी मिर्ची थी, हरी वाली जो मिर्ची होती है ना वो सूख गई थी, तो वो मैंने निकाल ली, तड़के वगैरह के काम आ जाएंगी। तो सूखी कहाँ फेंकोगे, और तड़के में मुझे सूखी मिर्ची चाहिए ही चाहिए होती, उसके बिना ना तड़का अच्छा नहीं लगता। और आप लोग क्या कहते हो, मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो मुझे ना अब बहुत ज़्यादा, मैं खाने पे, डाइटिंग पे, सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रही हूँ। हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, एक टमाटर निकला। तो आज बहुत भयंकर वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी। और बच्चे सबने सब नहा लिया, बच्चों के लिए रोटी बना दिए, पीछे बैठ गई रोड पे, देखो कैसे पानी सबने छिड़क दिया है, इतनी गर्मी, देखो बिंदी तो रुकी नहीं रही है। ये लो, आप लोग बोलते बिंदी लगा के रखा करो प्रीति। तो एक चीज़ आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, शादी में आपकी ससुराल से कोई क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमने बुलाया नहीं, हमने बुलाया, कार्ड भी भेजा, बार बार फ़ोन भी किए कि आ जाओ आ जाओ। और दीदी की, और आप लोग बता दो, दीदी की सांस ख़त्म हो गई थी ना, आप लोगों को तो ध्यान ही होगा, इसको खोलो पहले। तब भी हमने बुलाया था, तब भी दीदी ने कार्ड दिया था, मम्मी की 13वीं का, हमारे यहाँ 13वीं बोलते हैं। आप लोग पूछ रहे हो, दीदी की खोल दिए, पूछ रहे हो, इतने सारे सवाल कर रहे हो, तब मैं बता रही हूँ, आप हमारी फैमिली हो, और सच्चाई कड़वी होती है पर होती, कहना तो होता ही है। तो दीदी की जब सांस ख़त्म हो गई, तब भी हमने वहाँ पे कार्ड बोला था, और जीजू ने वो भी भेजा जाता है ना वो, तो उसमें भी नहीं आए थे। और मोनिका की शादी में भी हमने फ़ोन किया, बुलाया, सब किया, कोई नहीं आया। रीज़न क्या है, रीज़न आप सबको पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है ना, रजत की शादी मैं अपनी मामा की लड़की से करा रहे थे, ध्यान है ना आप लोगों को, तो वो शादी कैंसिल हो गई, तो उसी वजह से वो लोग सोचते हैं हम लोगों ने वो शादी कैंसिल करा दी है, तो इसलिए वो लोग हमारे दीदी की सास ख़त्म हो गई ना वहाँ गए, ना मोनिका की शादी में आए, तो ये रीज़न था। तो आप लोगों को तो सारी सच्चाई पता है, आप लोग बताना मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ क्या हूँ बताना। तो शायद यही उनके मन में शायद है, मतलब उन्होंने हम लोगों को डायरेक्ट नहीं कहा है, पर इनडायरेक्टली तो पता चल ही जाता है गांव से वैसे कि हाँ भाई वो इसलिए नहीं आए हैं। पसीना देखो छप होती जा रही, तो इसीलिए नहीं आया। बहुत बार मैंने रजत को फ़ोन किया था, मेरी मम्मी ने, पापा ने, सब ने किया था, मतलब हमने बोला था एक जना ही आ जाओ, रजत को भेज दो, उनके 3-3 बच्चे उनको भेज दो, पर कोई भी नहीं आया। दीदी की सांस ख़त्म हुई, तब भी हम लोगों ने बार बार ये गए थे, फ़ोन किया था, अब आ रहे हैं, तब भी कोई नहीं आया। तो ये रीज़न है कि मोनिका की शादी में कोई क्यों नहीं आया। तो वही है, कहते नहीं है पर मन में तो मुटाव आ जाता है, उनको लगता है हमने शादी रजत की नहीं होने दी, ये है वो है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं मुँह से कहें तभी पता चलता है, इतना फ़ोन वगैरह बातचीत भी नहीं होती है, तो एक चीज़ से इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो गई। और आप लोगों को पता है हमारा तो कोई भी उसमें कोई रोल नहीं था, कोई भी, इतने हंसी खुशी से करा रहे थे, सब कुछ था, पर क्या कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं खुल के नहीं बतानी, पर आप लोग इतना पूछ रहे थे तो मैं बता रही हूँ, इसीलिए नहीं आए हैं। हमने सोचा चलो ख़त्म करते हैं, फिर कभी देखेंगे। और एक बहुत सारी चीज़ें हैं मैं कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती, और सास ससुर तो हैं ही नहीं, हमने तो सास ससुर की जगह उनको ही देखा था। बहुत आप लोग बोलते हो आपके ससुराल से कोई नहीं आता ऐसा वैसा, हम तो देखिए कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, गांव में जाते हैं वो लोग नहीं आते। और आप लोगों ने देखा है गांव में मैं सबके साथ कैसे रहती हूँ, वो लोग कोई नहीं आना चाहता तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती खींच के थोड़ा लेके आ जाएंगे, आप लोग बताओ।
फिर सब लोग बोलते हैं कि घर की बात यहाँ पे मत करो, जो मन दुखता है किससे कहो बताओ, किससे कहो। तो हम तो हर चीज़ में जाते हैं आते हैं, गांव में चाहे शादी हो चाहे कहीं, हर जगह हम जाते आते हैं। हमारे वो लोग नहीं आना चाहते तो हम क्या कर सकते, जोर जबरदस्ती खींच तान करके तो नहीं लाते। एक तरफ से रिश्ता थोड़ा चलता है, दोनों तरफ से चलता है। हम लोग तो सोचते हमारे सास ससुर नहीं है तो वही हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितना हम लोग दिखाते हैं उतना ही आप लोग देखते हो। बहुत सारी चीज़ें बैक कैमरे के होती हैं जो कह नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग, कुछ लोग मेरी बात से वो करेंगे। शादी की बात, जब रजत और रेनू की मामा की लड़की की शादी करा रही थी तो सभी के सामने मैंने सारी बात रखी थी। स्टार्टिंग से मैंने सारी बात रखी थी, कुछ भी नहीं छुपाया था। आगे चल के कोई बात हो तो आप लोग मेरे साथ खड़े रहो। तो बस यही ये चीज़ें हैं। अगर नहीं देखा तो आप लोग पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हैं कितना मतलब इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं। कहीं बारात के ऊपर, कहीं किसी के ऊपर, दोनों तरफ से झगड़ा होता था, कहा सुनी होती थी। आप लोगों ने ही बोला था ऐसे अभी से इतनी लड़ाई झगड़ा होगी तो आगे जाके क्या होगा, ऐसे रिश्ते को ख़त्म हो जाना ही सही है। तो वो रिश्ता उधर से ही ख़त्म किया था, लड़की वालों ने उधर से किया, लड़के वालों ने उधर से किया, हमारा रूल कहीं नहीं था। पर तब भी ठीक है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घर में टेंशन हो जाती, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये रीज़न है वो लोग नहीं आए। उनको एक चीज़ को वही है, आप लोग वो लोग बार बार कहते हैं कहना पड़ जाता है। हम तो सोचते हैं शायद हम अकेले ही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है, जो भी है जैसा है, ऐसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। और अब की छुट्टियों में आप लोग बोल रहे थे गांव नहीं जाओगे, तो नहीं, हम लोग गांव वगैरह नहीं जाएंगे। बहुत सारा बजट हिला हुआ है, आप लोगों को पता ही है, अभी ना गांव जाना है नहीं कहीं जाना। और आप लोगों ने मैंने एक दो बार बताया ही है, देखो पहले से बता दो तो होता नहीं है। जैसा भी है आप लोग वीडियो में बता दूँगी मैं। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो बिना पंखे में बैठी हूँ, पसीना आए जा रहा है। तो जैसा होगा वैसा बताऊँगी, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती, बहुत सारी चीज़ें लगता है। मेरे घर में भी सब पूछ रहे थे, प्रीति की दीदी के ससुराल से सभी लोग आए, मेरी ससुराल से नहीं आए। तो सभी लोग पूछ रहे थे प्रीति की ससुराल से कौन आया कौन आया। हाँ, मेरी ससुराल, मेरी जो सालू की मम्मी है वो सालू आई थी, दामाद जी आए थे। वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैं पार्लर चली गई थी मोनिका को लेके, तो वीडियो क्या बैटरी नहीं रही थी। जयमाला की वीडियो आप लोगों ने थोड़ी देखी थी। छोटी ननद के यहाँ से आए थे, उनके दोनों लड़के आए थे नए, जिनकी सालू की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। सालू आए थे, सालू के हस्बैंड आए थे। बहुत सारे लोगों की वीडियो नहीं बन पाई और रात ही रात में सब लोग चल गए थे, क्योंकि सालू मेरी छोटी ननद का घर है जो पास में ही, आधे घंटे का रास्ता है। उनके सबके भैंसे हैं तो खाना पीना, और घर में बहुएँ बड़े बूढ़े होते वो तो खाना नहीं बनाते। तो बहुत सारे लोग आए, उनका कोई वीडियो नहीं बन पाया, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि भावड़ तवड़ अजयमाला के टाइम रात को 3 बज गए थे। तो बहुत सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बन पाई। तो कहते नहीं हम जितना दिखाते उतना ही आप देखते हो, जो नहीं हो पाता है वो बैक कैमरा बहुत अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें और कभी बताएं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी यहाँ इकट्ठी होती यहाँ होती हैं, सोचते रहते हैं बोलेंगे किसी ना किसी से बोलेंगे, पर हर चीज़ बोलना सही नहीं होता है, हर चीज़ को मैनेज करना आसान नहीं होता है। ठीक है, वैसे मैं जल्दी से घर की बातें बहुत बहुत ससुराल और वैसे नहीं लेके आती, मैं अपने काम धंधे हस्बैंड वाइफ इन्हीं पे लेके आती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए आगे फिर कभी मिलेंगे, बहुत और भी बहुत ज़रूरी ज़रूरी बातें बतानी है, पर टाइम टू टाइम बताएंगे। ये बहुत सारे बहुत कमेंट आ रहे थे, अभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि नेट नहीं होता है। वंशु मोबाइल से पढ़ाई करती रहती है तो इस वजह से कॉपी बुकें नहीं आई है ना, तो PDF वगैरह से करती रहती, तो इस वजह से थोड़ा बहुत नेट बचता है, TV चल जाता है। तो इसलिए मैंने वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताऊँ। वैसे तो बहुत सारी है, शॉर्ट में एक दो भी चीज़ों का जवाब दिया आप लोगों ने, बोला प्रीति शॉर्ट में कितना एक्सप्लेन करोगे, लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो बस इसी चीज़ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। वैसे काम धंधा ही इतना हो जाता है, क्या अपना दुख लेके बैठूँ। मुझसे ज़्यादा परसों की वीडियो में कितने सारे वो आए थे, मुझसे ज़्यादा दुख बहुत सारी चीज़ों में। आधी रोटी सुकून से मिले वही है। तो जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो,
इतने से भी खुशियाँ मिलती है, मिलने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना सुझाव दीजिएगा क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। इस चीज़ के पीछे हम दोनों में बहुत कहा सुनी हो जाती है। चलो बाय।